तमीज से रहो। तमीज तेरा का सारा तमीज सिखाता नहीं। आप आगे जा रहे हैं, मैं आज तो सारा डॉक्टरी हम झाड़ दूँ। Behave yourself! कन्हैया तू तू क्या करता रहा? मयंक कौन है? यो एक घर के लड़का जैसा हो। अगर ये अपन घर का लड़का में जैसा बाड़न तो हम का गैर बानी। अरे तो ये हम कहा कहा था नहीं बेटा? हम सही कहा था नहीं। रहुआ गैर हाजिरी में अकेला अपन का फायदा उठा के ये हमारा बीबी का हाथ पकड़ता है। अरे वो कहते नहीं कि घर का लड़का बा आज से इतना कहा। अरे कन्हैया तारा कोनो गलत फहमी हो गई बा। आप इतना गंदा सोचते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये जानकर कि आप इस देवी के पति हैं। अच्छा तो क्या करें? हम इस देवी जैसन पत्नी के तोरा संग भेज दी, तोरा घरे भेज दी। कन्हैया अरे ऐसा बात नहीं की बुआ, तारा कोनो जरूर गलत फहमी भइल बा। यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा आदमी हैं। ए फुआ हमरा के समझाला कोनो जरूरत नहीं है। बेटा तू समझत नहीं खा। ए फुआ हम समझे के भी नहीं चाह। साफ बात बाटे, हम अपना पत्नी के साथे के गैर मर्द से बर्दाश्त नहीं कर सकत। जान ले रो लगी। अरे बेटा मैं हमरा के माफ कर दो। कन्हैया हाथ उठा दे, हमरा के माफ कर दे बेटा, माफ कर। चाचा जी अब मुझसे माफी मत मांगे। मुझे कन्हैया के हाथ उठाने का ना तो मुझे दुख है और ना मुझे कोई परवाह है। तुरा से ये उम्मीद रहा, ये उम्मीद रहा तरह से। पर चाचा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। मैंने प्रेमा जी से भी उस दिन कहा था और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, आप इस आदमी का डीएनए करवा दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपका लड़का है या फिर बहरूपी है। अरे हम होकर बाप रे, हम अपना बेटा कहीं खिपा जाना। इसी बात का तो डर है चाचा जी। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने महाभारत करवा दिया था, कहीं आपके पुत्र मोह ने आपकी बहू को कहीं कहीं छोड़ा तो। मयंक बस तारा मुंह से तारा जबान से इस तरह के बात अब हम देखे सुने के जात। हमरा पता बा हार ब्याह ना हो सका, यही से तू विक्षुब्ध हो गई और कुछ ना। लगता है मुझे अब यहां से जाना चाहिए। अब प्रेमा जी को बर्फ लगाते रहिएगा, उन्हें बुखार आया है तो जैसे बुखार उतर जाएगा उनको होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब बर्फ ले आल बनी। दीना बर्फ लेके गैलन है का भाई? डॉक्टर बबुआ खाना लगाई दे। डॉक्टर बबुआ पानी। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। मयंक क्या बात है बेटा, तुम फोन नहीं करते? नहीं माँ मैं बुक लिखने में बिजी हो गया था इसी में फोन नहीं कर पाया। और आपको तो पता है यहाँ से फोन करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। आप सब कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है बेटा, लेकिन तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा कोई बात हो तो बता देना, छिपाने से कोई फायदा नहीं होता। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा थक जाता हूँ माँ। इसलिए तो कह रही हूँ। तुम वहाँ क्यों पड़े हो?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ कुछ काम है जिन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ बेटा। तुम जिस प्रेमा को इतना चाहते थे ना, वो अपना घर फिर से आबाद करके अपनी जिंदगी खुशी के साथ जी रही होगी और तुम वही पड़े हो। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। प्रेमा खुश नहीं है। इस समय तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और मुझे इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी होगी। उस शैतान से उसे बचाना होगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता। वो आदमी प्रेमा जैसी पवित्र और संस्कारी औरत का पति नहीं हो सकता। मुझे इस सच्चाई को सबके सामने लाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। क्या बात है बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अमर भैया देखी ना, मलकाइन के तबीयत बेरंबेर बहुत खराब हो रहा है। तो के डॉक्टर के बुलावे के चाहिए ना। अरे डॉक्टर जन कहलन तो हम दवाइयां देते तबानी जा। क्या बताइए अमर भैया, बड़के मलकाइन की जब से कन्हैया भाई आयल बढ़ना परेशान के करते हो। मलकाइन के माथा वैसे ही तप रहल बा का फुआ जी? अरे हाँ रे, बहुत तेज बुखार बा। अब का करल जाए फुआ जी? देख ना, बर्फ वाला पट्टिया तो लगावता नहीं। एक बात कही फुआ जी, कन्हैया भैया ना डॉक्टर साहब के भगाए के ठीक ना कह लेना। ठीक बात कहता रे, अब ते का कर सकेला हम का कर सके। एक घर के तो सबके अपने आप के मालिक बटे। बेचारी का तो ना बुखार से तवत आ रही, पता नहीं तो कुंडली में का ना दुख भोगे के लिखल बा। अब हम का करी, हमरा बुझाते नहीं खे। कुछ ना कुछ तो करहिन के होई फुआ जी, कारण कि मलकाइन के बुखार तनिको कम ना हो रहल बा। अब देखना, डॉक्टर जन कहलन तो करते बानी, दवाई देनी है, जूस देते बानी, पट्टी लगाते बानी। अब डॉक्टर हम ना बन जाए भी कि खटाखट कोनो उपाय करके हम ठीक कर दे। कि बाड़ी है गहिंकर बहिन, ये पर देखो ना इली दीदी के अपन कि मुआती की जियतिया। कब लोग जीते? अमर भैया देखी ना, मलकाइन के तबीयत बेरंबेर बहुत खराब हो रहा है। तो के डॉक्टर के बुलावे के चाहिए ना। अरे डॉक्टर जन कहलन तो हम दवाइयां देते तबानी जा। क्या बताइए अमर भैया, बड़के मलकाइन की जब से कन्हैया भाई आयल बढ़ना परेशान के करते हो। अरे बकुलवा,
कन्हैया के बात का काल का जरूरत रहला रे हां दोनों भाई भाई के लड़ाई बेते अरे मुंह लटका के का खड़ा बड़े दे दो सर पटिया घर में आयल बड़ा कुछ ना कुछ होते रहता थे बाऊजी इका नाटक लगा के रखले बड़ा तो हम लोग घर में का भाईल का हमार भैया आज तक केहू से कड़क आवाज में बात तक ना कहले रहना और ये हमार भौजी के ऊपर हाथ उठाओ तड़न डॉक्टर साहब जिसन पढ़ल लिखल आदमी के संगे हाथा पाई कर तड़न अरे शांत रह बेटा बात के समझे कुछ शांत रहिया का बात के समझी बाऊजी और रउओ के कह देता नहीं कि अपना आंखी पर पट्टी बांध के मत बैठी मालूम बा आपके की राउत सपुत्र चार दिन से का करता रन बबुआ जी कहन बैठ के दारू पिया तड़ा ना जुआ खेला तड़ा का ये तू का कह रहा बड़ा अरे का कहत का बनी हैं मैं बबुआ जी के साथे बैठ के घर का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लुटा रहा बड़ा वहां बैठ के दारू पिए आ यहां के नाटक करिए वो ऐसा काम करत पड़े इतब बहुत बुरा बात बा लेकिन हम तो उनका के समझा भी ना सकीला कोनो बात बुरा लाग गई तो कर सक दिमाग पर पड़ सकता हम मेघरी कोनो अनहोनी नहीं की होकर देवे के चाह बेटा हमार अगर एक बार तहार भौजी उनका के अपना लेस फिर तहारी भाई फिर से पहले वाला कन्हैया हो सकेला पहल का दूसर का बाऊजी हैं राम कब रावण बन सकेला का हालात कैसन होखे आदमी का फितरत ना बदलेला भुला गेली का जब हम बबुआ के साथे घूमत रहिए तो हमरा ऊपर तो बड़ा चिल्लात रहिए आप और आज आपका दुलरुआ सपुत्र खुद बबुआ बन के घर में घूमता कन्हैया नहीं आ गेलन राउर धर्मात्मा बेटवा हाँ तू बिल्कुल सही कहता रहो लेकिन हमहू का करी बाबूजी मौत के करीब से हम देखले बनी ये दुनिया में मौत से बढ़ सच्चाई कुछ ना होला मौत का होला ये तू का जनवा महीनों हम गटर जैसी जिंदगी जीले बनी हमरा तो ये दुनिया से विश्वासे उठ गए रहे लेकिन जब सबकर याद आई तो हम दौड़ल भागल यहाँ चले नहीं हम अपना वो बीवी से मिले चले नहीं जकरा के हम जान से ज्यादा बढ़ के प्यार करें लेकिन हमारा अपन दुर्भाग्य कि जब हम यहाँ आईनी तो हम का देखनी कि हमारे वो बीवी जो हमरा के देवता जैसन पूजे ली वो केवरी से ब्याह करता रही वो सोची बाबूजी हमरा पर का गुजरल हुई हमार कलेजा तो चाक चाक हो गई लेकिन हम खून के घूट पी के रह गए हमरा चक्कर आवे लगा लेकिन जब हम होश में आनी तो हम का देखनी कि हमार वो बीवी जेकर नाम हम दिन रात गायत्री मंत्र जैसन जपत रहनी वो हमरा के पहचाने से भी इनकार कर दली नमामि विघ्नेश्वर पाद पीका होता यह पूजा के बाद तो तहरा पति पत्नी बन के रहे के बाटे ना ई नहीं क्या हो सकत हम ई पूजा पे ना बैठ सकेला हम इतना दिन प्यार खातिर तरसल बनी अमर हमार वो पत्नी हमरा से हमार पहचान मांगा करी उस समय हमरा दिल पर का गुजरल तू ही सोचो बस ये गुस्सा में हमारा हाथ उठ गई बस हमारे इतने गलती
हमरा नेक धर्म से बहुत डर लगा था, बहुत डर। हमरा ऐसा बुझा था कि हमरा जौन सजा मिलल बा वो हमरा अपना पाप के वजह से मिलल बा। हम महन जी के धर्म में रोड़ा बन के अड़ गई, हमार पत्नी रोड़ा बन के अड़ गई, वो करते हमनी के परिवार के इतना दुख भोगे के पड़ल, और कोनो कारण नहीं के बाबूजी। बस यही वजह से हम महंत के घर के भलाई चाहता नहीं। ताकि हमरा ऊपर से, हमरा परिवार के ऊपर से पाप के बोझ कुछ कम हो सके। बस हम हमें का गलती कर ले। हमार बाबूजी देखनी देखनी रहूगा। हाँ बेटा, हमरा तारा ऊपर भरोसा भा। हाँ देखा ना, काल तार दाह संस्कार के मुक्ति पूजा बा, उकर बाद सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। इनकर तबीयत ठीक नहीं खे लागत। हाँ। हमरो इकुल आज अच्छा नहीं खे लागत। इनकर तबीयत इतना खराब बा और आज ये पूजो के दिन न धा गेल बा। ताना तबीयत ठीक नहीं खे कि नखरा पसारत दिया। रवत तो जानते बानी ना, दिन प्रतिदिन इनकर व्यवहार कितना बदल गेल बा। अरे ना रे, देख तबीयत खराब है हमरा तो बड़ा दया लागता। का हो फुआ, ये कौन नौटंकी हो रहा बा तबे से? हाँ कितना सिंगार पटार होता इनकर। वहाँ पंडित जी बैठ के इंतजार करता नहीं, सारा पूजा का तैयारी हो गई बा, तनु के समझ में नहीं आवत। तोहनी के मेहरारू जात हूँ, चार मिनट के काम में चार घंटा लगावल लग गई, समझ में नहीं आवत, जल्दी लेके आवो। देखत नहीं खा, तबीयत कितना खराब बा। हो सके तो आज ऐसा कर लो कि पूजवा टाल दलो, एक दिन और आराम के इंकरा मिल जाए। क्या कहते तू है? अगर ये मुहूर्त बीत गए तो सीधे 21 दिन बाद मुहूर्त बा, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, समझ गए लू? जल्दी तैयार करो लो। इनकर विधवा चेहरा तोनी के अच्छा लागत है, हमरा ना। आज के बाद इनकर सारा तबीयत ठीक हो जाए। चल ले आओ तनी, ये सगला इकनी के मन ही सन्ना, चलो उठावा इनकर के लिए चलो। हाँ बुआ, चलो उठावा। प्रेमा, ए प्रेमा। दीदी उठा हो, पैर नीचे कर। चौधरी साहब, बहू के बुलावा, समय बीतत चला जात बा। अरे फूलमती, अरे दुल्हन के ले आवो, संभाल के दुल्हन, आराम से। अरे संभालिए सरला, चल ध्यान से, ध्यान से। अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाय सम्राट पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचेः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। अरे कहे उठ गई लू, कन्हैया के पूजा होता दोष मुक्ति वाला पूजा, यह पूजा के बाद तो तहरा पति पत्नी बन के रहे के बटे ना। इन्हें क्या हो सकत, हम ये पूजा पे ना बैठ सकेला।